नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 2 HP मोटर के अंदर स्टार्टिंग का करने से कितने MFD का लगाया जाता है और रनिंग का कितने का लगाया जाता है, तो वही आज मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही टेक्निक की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये है 2 HP उजाला। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें अभी 800 के 2 कंडेंसर भी आप लगा सकते हो और एक लगाओगे 200-250 MFD का इसमें लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर रनिंग की बात की जाए तो इसमें हम रनिंग का, अगर इसमें 23 नंबर वायर है तो 20 MFD का लगा सकते हैं, अगर इसमें 22 नंबर वायर है तो फिर हमको लगाना पड़ेगा 25 और 30 के समथिंग, ताकि उसमें थोड़ा मोटा वायर हो गया तो थोड़ी ताकत हो जाएगी। तो दोस्तों अगर 23 नंबर है तो आप 20 MFD से ज़्यादा ना लगाएं, अगर 20 MFD से ज़्यादा लगाओगे तो उसका जो स्टार्टिंग का वायर है, स्टार्टिंग कोयल का, वो जल जाएगा। दोस्तों 23 नंबर में हमको लगाना है 20 MFD का, अगर 22 नंबर वायर स्टार्टिंग में है तो हमको 25 और 30 के बीच लगा लेना चाहिए। तो दोस्तों उससे क्या होगा, एक तो मोटर का जो एम्पियर है, जैसे कि मान लो कि 12 एम्पियर ले रही है तो आप कंडेंसर लगाओगे रेगुलर तो उसमें उसके एम्पियर घट जाएंगे, 8 एम्पियर ही आ जाएंगे, 8 और 7 के बीच में आ जाएंगे, तो यानी कि जो लोड है वो कम हो जाएगा और मोटर की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर 800 के आप लगाओ तो 2 लगा लेना, अगर एक ही लगाना चाहते हो तो 200-250 MFD का कंडेंसर लगाना चाहिए, और रनिंग के लिए चाहिए हमको 20 MFD का, और अगर उसमें स्टार्टिंग में ज़्यादा वो है 22 नंबर वायर है तो आपको 25 और 30 के बीच लगा लेना चाहिए। वैसे तो MFD कंडेंसर पे लिखा हुआ होता है, उसी प्रकार आप लगाए तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है कि 2 HP मोटर के अंदर स्टार्टिंग कंडेंसर कितने का लगाया जाता है और रनिंग का कितने का लगाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हमेशा ऐसी टेक्निकल वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।